तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। आज हमारे साथ में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने के लिए वरुण मेरे साथ में मौजूद हैं। वरुण जी, जो रेगांव विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, और आज कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस बीच पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात करें और पूरे मध्य प्रदेश में एक विधानसभा की बात करें तो रेगांव विधानसभा, जहां पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है, और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी वरुण गुर्जर जी हमारे साथ में वन टू वन में जुड़ चुके हैं। वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो धन्यवाद वरुण जी, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो आपका जो कार्य क्षेत्र है, जो रेगांव विधानसभा में आपने आप आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी अभी उम्मीदवार हैं, किस तरीके से, किस आधार पर आपको ये लग रहा है कि आगामी जो इलेक्शन है, अभी जो मध्य प्रदेश में चल रहा है, उसमें आप बीजेपी को और मात कांग्रेस को मात दे पाएंगे? 75 साल जब से देश आजाद हुआ, तब से जयगांव विधानसभा की जनता ने हर एक पार्टी को मौका दिया, परंतु आज भी 230 सीटों में जयगांव विधानसभा एक ऐसी सीट है जो हर एक चीज में वंचित है। आप स्कूल में स्कूल देख लीजिए, रोड नाली देख लीजिए, अस्पताल देख लीजिए, तो हर एक चीज को अगर आप देखिए हर एक चीज में वंचित है। और रेगांव विधानसभा ने भाजपा को भी मौका दिया, कांग्रेस को भी दिया, बहुजन को भी दिया और जनता दल को भी दिया। तो आज इनसे सभी पार्टियों से रेगांव विधानसभा की जनता स्पष्ट है, इसी मुद्दे के साथ चुनाव लड़ेंगे। जो माननीय केजरीवाल जी हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करते हैं, बिजली पानी की बात करते हैं, इसी मुद्दों के साथ अपन चुनाव लड़ेंगे जी। वरुण जी, लेकिन जो प्रमुख सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, ये इंडिया गठबंधन से जुड़ा हुआ। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, तो क्या ऐसा भी संभव है कि अभी आप उम्मीदवार हैं लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं और कांग्रेस का हम मध्य प्रदेश में समर्थन करते हैं, तो आपका स्टैंड फिर क्या होगा? नहीं, मध्य प्रदेश में हो रहा है, गांव गांव में हो रहा है, और अपन समझाते हैं कि यही एक पार्टी है जो कहती है वो करती है। इसका उदाहरण दिल्ली और पंजाब है जी, बिल्कुल। लेकिन वरुण जी, सवाल ये निकल के आता है कि आपने दिल्ली और पंजाब का उदाहरण दिया, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में पहले से भगवंत मान जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, लेकिन उस तरीके का चेहरा कोई आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर देखा जाए, हमारी टीम ने भी सर्वे किया, आम आदमी पार्टी का जो 230 विधानसभा पर जो चुनाव लड़ने जा रही है उसमें सबसे प्रमुख चेहरा आपका ही दिखाई देता है, तो रेगांव विधानसभा क्या यह संदेशा देगा कि आम आदमी पार्टी अब मध्य प्रदेश में मजबूत है? नहीं नहीं हमारी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में मजबूत है और अभी कई सीटें भी बाकी हुई है, एक से लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं जी। लेकिन वरुण जी, मुझे ये बताइए कि अच्छा जनसंपर्क समर्थन मिल रहा है और हमारी पार्टी से लोग जुड़ना चाहते हैं, और अभी देखिए आगे जैसी घोषणा होती है तो आपको खुद देखने को मिल जाएगा जी। लेकिन वरुण जी, मुझे ये बताइए, वरुण जी मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि जो मौजूदा विधायक हैं और उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक रहे, अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि उनके पास धन बल है और भी तरह तरह के हथकंडे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास में प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा है, कांग्रेस के पास में कमलनाथ जी और राहुल जी प्रियंका जी का चेहरा है, तो आम आदमी पार्टी किसको किसको फेस बना के आम आदमी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ना चाह रही है, और आपके प्रचार में कौन कौन से दिग्गज वहां पर आपके विधानसभा चुनाव में रैली करने आएंगे?
देखिए हमारी महापौर रानी अग्रवाल जी है, मध्य प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष है, अच्छा उनको समर्थन मिला, अच्छा मार्गदर्शन उनका मिल रहा है, इसी के साथ अपन चुनाव लड़ेंगे। जी वरुण जी, ये बताइए जब आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव मैं मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं हैं कि आप चुनाव जीते, विधायक बने, लेकिन सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा आपको क्या लगता है कि जो आप विधायक बनने के बाद पहली कलम से वही उस मुद्दे पर काम करेंगे? देखिए आज भी हम लोग जाते हैं क्षेत्र में तो रैगांव विधानसभा की एक ऐसी स्थिति है कि वहां के बच्चे स्कूल के बाहर पढ़ रहे होते हैं, अगर कोई अस्पताल है तो वहां के मरीज बेड के नीचे पड़े होते हैं। इसी मुद्दों के साथ अपन काम करेंगे। गड्ढे हैं, रोड नहीं, ऐसे ऐसे गांव है हमारे विधानसभा में जहां आज भी लाइट नहीं है, रोड नहीं है, लगातार आंदोलन होते हैं हमारे क्षेत्र में, रोड नहीं तो वोट नहीं, इसी सब मुद्दों के साथ अपन काम करेंगे। एंड आखिरी सवाल वरुण जी, मैं यह जानना चाह रहा हूं आपसे कि आप पूर्व में पत्रकार भी रहे हैं, तो आपके पास में ज्यादा जिस तरीके से जो अन्य नेताओं के बारे में परसेप्शन बना हुआ होता है कि जो नेता कह देता है फिर बाद में आके चुनाव जीतने के बाद नहीं कहता है, तो जनता आप पर भरोसा तो कर रही है वरुण जी? जनता आप पर भरोसा कर रही है, ये सर्वे में भी निकल के आ रहा है, हमारी टीम भी लगातार सर्वे कर रही है, उसमें आपका नाम निकल के आ रहा है कि वरुण गुर्जर एक भरोसे का दूसरा नाम हम कह सकते हैं रेगांव विधानसभा में, लेकिन फिर भी आप कैसे राजनीति में अपने आप को जमा पाएंगे जहां उस राजनीति में जहां पर नेता कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं? वरुण जी देखिए, मैं बचपन से ही समाज सेवा का काम कर रहा हूं, अभी पूर्व में ही माता जी चुनाव लड़ी, जिला पंचायत सदस्य हुई और लगातार मैं क्षेत्र में घूम रहा हूं और अच्छा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और समर्थन मिल रहा है। जी तो वरुण जी, तो ये थे हमारे साथ में वरुण गुर्जर जो आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं रेगांव विधानसभा से। और रेगांव विधानसभा की बात करें जहां पर वरुण जी ने बताया कि किस तरीके से लोग आज भी आंदोलन करते हैं और एक नारे के साथ आंदोलन करते हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, ऐसी तमाम समस्याएं जो वरुण गुर्जर के माध्यम से जागृत भी हुई हैं। और वरुण गुर्जर जिस तरीके से सर्वे में निकल के आता है कि एक अलग प्रकार की राजनीति करते हैं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने आप को दावा करती है कि हम राजनीति से अलग राजनीति करते हैं, क्योंकि दिल्ली मॉडल जो है वो पूरे देश में विख्यात हो चुका है, उसी तरीके से दिल्ली मॉडल का प्रभाव पंजाब में पड़ा, अब पंजाब का प्रभाव मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ होने के बावजूद भी साफ तौर पर संदेशा यह था कि 230 विधानसभा चुनाव पर हम चुनाव लड़ेंगे और 230 विधानसभाओं में एक विधानसभा रेगांव जिसके प्रत्याशी से हमारे साथ में वरुण गुर्जर मौजूद थे, जिन्होंने अपनी चर्चाओं में साफ तौर पर बताया कि किन किन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो वरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में चर्चा में जुड़ने के लिए।